मानो क्रिकेट में कितने फॉर्म्स ऑफ कहते हैं वो वर्जन्स हैं, द गोट ऑफ क्रिकेट, मतलब आज के दिन में विराट कोहली का बेस्ट फॉर्म ऑफ कहते ना बेस्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट प्लेइंग उसको जो कौन सा गेम लगता है, दैट इज टेस्ट क्रिकेट। अब इस टेस्ट मैच को मैं कैसे कोरिलेट करूँ अपनी डीलरशिप के साथ, कहते ना पोस्ट कोविड प्री कोविड टाइम्स में वी आर डूइंग कहते ना वंडर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इन इंडिया। बाइंग अ कार, अब बोलूंगा बाइंग अ टू व्हीलर ऑल्सो इज नॉट जस्ट एन कहते ना कि एक एसेट खरीद लिया बस हो गया खत्म हो गया, इट्स एन इमोशन पुट ऑल टुगेदर। तो बहरहाल पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप में से आज भी अगर बोला जाए इंडिया में क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको धर्म माना जाता है, और आपको मालूम है क्रिकेट में कितने फॉर्म्स ऑफ कहते हैं वो वर्जन्स हैं। आप T10 लीग कह लो, मतलब इंडिया में नहीं हो रही बहुत जगह हो रही है, T100 हो रहा है, T20 हो रहा है, एट द सेम टाइम वनडे होता है, टेस्ट क्रिकेट भी होता है। अगर आज हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, द गोट ऑफ क्रिकेट, मतलब आज के दिन में विराट कोहली का बेस्ट फॉर्म ऑफ कहते ना बेस्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट प्लेइंग उसको जो कौन सा गेम लगता है, दैट इज टेस्ट क्रिकेट। द रीजन बींग कहते ना मेंटल स्किल्स, पेशेंस स्किल्स, और कहते ना आपकी सारी स्किल सेट की आपकी जाँच हो जाती है। एट द सेम टाइम टेस्ट मैच की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसमें ना फर्स्ट इनिंग्स के बाद सेकेंड इनिंग्स में एक बार और फिर मौका मिलता है कि जो गलती आपने फर्स्ट इनिंग करी है वापस उसको करेक्ट कर सके सेकेंड इनिंग्स में। हाँ फास्ट 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 आपका है, पहले हम खिला दें, तुम खा लो मैं तो खा दूंगा। सो अब इस टेस्ट मैच को मैं कैसे कोरिलेट करूं अपनी डीलरशिप के साथ, कहते ना पोस्ट कोविड प्री कोविड टाइम्स में वी आर डूइंग कहते ना वंडर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वी हैड अ ह्यूज पोर्टफोलियो, सब कुछ कहते ना सब अच्छा ही अच्छा था, बट पोस्ट कोविड कहीं ना कहीं जिससे बहुतों को करंट के झटके लगे ना, तो हम भी कहते ना उसमें से परे नहीं रहे। सो ना पोस्ट कोविड नाउ थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। 5 मल्टीनेशनल ब्रांड की बाइक्स मेरे पास है, जिसमें टोटल कहते हैं टोटल फ्लीट 22 मॉडल्स की है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.2 लाख टू 7.2 लाख टू बी प्रिसाइज। जैसे मैं पहले अपने चैनल में बहुत बार कह चुका, कहा थी इसकी रायपुर वाले में कि इन इंडिया बाइंग अ कार, अब बोलूंगा बाइंग अ टू व्हीलर ऑल्सो इज नॉट जस्ट एन कहते हैं ना कि एक एसेट खरीद लिया बस हो गया खत्म हो गया, इट्स एन इमोशन पुट ऑल टुगेदर। वो इमोशन क्या है, फैमिली के साथ आना, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना, केक कटिंग होना, क्लैपिंग एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, और कहते हैं सब लोग एक साथ परिवार के साथ, मतलब वो कहते हैं एक एसेट को लेके जा रहे हैं, एसेट जो कि उनका एक इमोशन है। चार लगा था अब आप उस चाबी से इस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करो, इस चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करो। हाँ चाबी से बाहर उधर इग्निशन ऑन कर दीजिए, अब वो चल मारो ऊपर ऊपर से। तो सेकेंड इनिंग्स में हमारी शुरुआत बहुत अच्छी रही, नवरात्रि का पहला दिन 9 अप्रैल हमने केलाइट की डिलीवरी करी, कीवे जो कि केलाइट ऑफर करता है पैरेलल सेलेरेटर के साथ, 250 सीसी का इंजन रहता है उसमें, इट्स अ वंडरफुल क्रूजर। तो वो बाइक हमने डिलीवर करी। इतनी सारी बाइक देखी हो, ओवरऑल कौन कौन सी बाइक पसंद आई? वो बेंडा, बेंडा 302 सी, क्या
और फिर ये SRC 500 SRC 500 क्यों पसंद आई? उसका पावर और उसका लुक्स एकदम अच्छा था. ओके एंड देन दिस QJ मोटर सिमिलर क्रूजर स्टाइल. ओके एंड दिस वन व्हाट यू हैव चूजन. या ये तो आपका बेस्ट पिक है ही है. आपकी आवाज तो आपकी ही है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी बेस्ट वन तभी आपने लिया है. राइट. वीडियो के अंत में वापस जोड़ना चाहूँगा, कहते हैं एक बार डीलरशिप में सिर्फ आपको 4 कदम बढ़ा के आगे आना है. ड्रिंक रोड नंबर 1 डीमार्ट कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, वहाँ पहुँचेंगे आपको कहते हैं ना बाइकों का जलसा मेला नजर आएगा. 22 मॉडल्स बहुत मायने रखते हैं, मल्टीनेशनल 5 मल्टीनेशनल ब्रांड हो गए और 22 मॉडल कहते हैं ना 1.25 लाख से लेकर 7 लाख 20 हज़ार तक, कहते हैं हर चीज़ जो आपके बजट में फिट आएगी. तो 4 कदम चल के आना है रिंग रोड नंबर 1 डीमार्ट के पास. और जो आपने देखा ये जलसा कहते हैं ना इन इंडिया स्टिल और आने वाले मैं कहता हूँ 10-20 साल तक भी कहते हैं गाड़ी खरीदना चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, वो कोई सिर्फ कहते हैं ना एसेट नहीं, इट्स एन इमोशन ऑल टुगेदर. सो सी यू सून, बहुत जल्दी सारी बाइक्स का डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फॉर एज ऑफ नाउ बाय बाय.